हेलो वालेकुम वाले जी मुफ्ती साहब जी जी बताइए जी आ, मेरा नाम हिना है मैं एरेजोना से बात कर रही हूँ मेरा बेटा दस साल का है उसने मुझसे एक सवाल किया है मैं उस सवाल का जवाब चाहूंगी कि आप मुझे दीजिए ताकि मैं उसको तसली बख्श जवाब आपके थ्रू पहुँचा सकूँ उसने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और वो कहता है कुन फया कुन तो हर चीज हो जाती है तो उसने मुझसे ये सवाल किया है कि अल्लाह ताला को कितने डेज लगे पूरी कायनात बनाने में तो मैंने उसको एक जनरली आंसर किया कि ऑलमोस्ट सेवन डेज तो कहने लगा इतने टाइम क्यों लगा जब वो सिर्फ कुन फया कुन ही कह सकते थे अल्लाह ताला तो उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया ठीक है तो मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहूंगी आपसे अगर आप मुझे जवाब दे सकें तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया आप प्रोग्राम हमारे अपने मसायल शेयर कर रही हैं और इस प्रोग्राम को आप लोग वाच कर रहे हैं जहाँ तक सवाल का ताल्लुक बड़ा अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने कौन फैकून बेशक अल्लाह तबारक बता है की शान फैकून है वो कौन का फैकून वो हो जाता है और अल्लाह तबारक व ताल ने जो ज़मीन व आसमान को छः दिन में जो मुकम्मल किया असल में हमें तालीम देने के लिए किया तालीम इंसानियत के लिए क्या इंसानियत को तालीम देने के लिए किया और ये बताया कि जब कोई बड़ा काम करो तो वो जब उस स्टे, स्टेप बाई स्टेप करो वो तदरीजन होना चाहिए तहमुल के साथ होना चाहिए एकदम से उसको जो है वो खड़ा कर देना ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का जो अमल है वो इंसानों के लिए एक मशर व ताला किया सुन्नत है बल्कि इससे पहले तो ये सवाल होता है कि अल्लाह तबारक वताल ने आदमसातम की तख्लीक़ से पहले आदम की तख्लीक के लिए फरिश्तों से मश्रा क्यों किया फरिश्तों से अल्लाह ने कहा वजू का वै, ला थी कुरान कह रहा है कि याद करो उस वक्त को जब जय तुम्हारे रब ने मलाइका से ये कहा क्या कहनी जायल अर्जी खलीफा मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ मशरा कर रहे हैं तो मशा हालांकि अल्लाह को मशरे की जरूरत नहीं मशरे की जरूरत तो नाकसलम को होती है कि पता नहीं यार की काम गलत है क्या सही है मशा कर लो सबसे मिलकर एक दिमाग के बजाय दस दिमाग मिलकर एक काम करेंगे तो परफेक्ट होगा तो इसलिए मशरा किया जाता अल्लाह को मशरे की जरूरत नहीं थी लेकिन अल्लाह तबारक व तौर ने हमें तालीम देने के लिए कि जब कोई काम करो तो मशवरे के साथ करो जब चंद लोग आपस में मुशावरत करेंगे और मशावरत के बाद जब उस काम को करेंगे तो नतीजा अच्छा आएगा और उसके अंदर किसी की जिंदगी शर्मिंदगी और नदामत नहीं होगी तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताली ने अपनी शान और कुदरत तो ये जाहिर की है कि कन फैकून मेरी जात है लम्हों में एक चीज बना सकता हूँ तबाह कर सकता हूं लेकिन इस ज़मीन व आसमान को सात दिन में जो बनाया ये इंसानों को बताने के लिए कि जब मौतम बिशान को बड़ी चीज बनाओ तो स्टेप बाई स्टेप तहमुल के साथ चलो थोड़ा 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 आहिस्ता 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 ये वजह कि बड़ी से बड़ी इमारतें आज हम बनाते हैं तामुल से बनाते हैं अपने बिल्कुल टाइम और रिलेक्शन के साथ बनाते हैं। ये नहीं कि जल्दबाजी में हबड़ दबड़ में जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ खराब कर लें तो अल्लाह ने इंसानों को ये तालीम दी है कि जब कोई ऐसी चीज बनाओ तो तहमुल गुरदुबारी के साथ आप जो है वो छः दिन में बनाओ और फिर दूसरी बात यह कि अल्लाह तबारक व तैने ये और ज़मीन जो सातों आसमान सातों ज़मीनें जो छः दिन में भी बना दी हैं तो ये भी कोई टाइम नहीं है छः दिन कोई टाइम नहीं है नथिंग है उस इतनी बड़ी जो है ज़मीनों आसमान के मुकाबले में छः दिन भी तो कुर्फा कूनी की शान है वह कन कुनी की शान है कि छः दिन के अंदर सब कुछ बन गया छः दिन तो कुछ भी नहीं क्या छः दिन में इतना कुछ बन सकता है आज हम जो दस मंजिला इमारत बनाने खड़े हो तो उसी को ऊपर जो है दो साल लग जाते हैं तो अल्लाह तबारक ने छः दिन में बना के दिखा दिया इसका मतलब अल्लाह तबारक की किन फ़ैकून की शान भी कार फरमा है कि इतनी बड़ी चीज़ छः दिन में बनी छः दिन नथिंग है उस बड़ी इमारत के सामने और भी दूसरी बात यह कि इंसानों को तालीम रही थी कि कोई भी बड़ा काम हो तहमल के साथ उसको स्टेज बाई स्टेज करना चाहिए जल्दबाजी फरमाई इसलिए हदीज़ फरमाया अउलुद्दमिन शैतान जल्दबाजी शैतान का हिस्सा होता है उसमें इंसान पढ़ के नुकसान उठाता है